Hello everybody. Welcome or welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of An Academy. और बच्चा पार्टी आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूं। आप सबको पता है कि एनालिटिकल पैराग्राफ एक ऐसा टॉपिक है आपके सिलेबस में जिसमें हर बच्चा अटकता है स्पेशली गिवन कि इस बार के सैंपल पेपर के एनालिटिकल पैराग्राफ तो और भी ज्यादा हटकर आए हैं So way, you really need some good tips and strategy on how to attempt analytical paragraph so that you can make sure that you can score full marks in that as well so if you are also one of those kids who struggles in an analytical paragraph and wants to learn all the tips and tricks including good vocabulary that you can use while attempting this question then please make sure that you this video and video called like Dj and do not forget to subscribe to our channel as well so all right then

150 वर्ड्स के बियॉन्ड आपको जाना ही नहीं है यू शुड रियलाइज इट कि भाई आपके पास पूरा का पूरा अपना पेपर भी है करने के लिए सो so, एक क्वेश्चन में इतना ज्यादा टाइम नहीं देना है कि बाकी क्वेश्चन के लिए टाइम ना मिले भाई आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं देने वाली टीचर एक्स्ट्रा वर्ड्स के जस्ट रिमेंबर दैट नंबर टू इट शुड बी रिटन इन सिंगल पैराग्राफ और ये मैं नहीं खुद है। हैं जिनको स्कूल से कह रहा है कि तीन पैराग्राफ्स में लिखो मल्टीपल पैराग्राफ्स में लिखो वो सब गलत है कुछ सीबीएसई की मार्किंग स्कीम यही कहती है कि अनालिटिकल पैराग्राफ को आपको सिंगल पैराग्राफ में ही लिखना है अगर मुझ पर यकीन नहीं है तो सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट से इस बार के सैंपल पेपर से आप वेरीफाई कर सकते हो यू हैव टू राइट योर एंटायर एन आर्टिकल पैराग्राफ इन जस्ट वन सिंगल पैराग्राफ नो इंट्रोडक्शन नो बॉडी नो कंक्लूजन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप क्लियर एंड क्रिस्प लुड भी इंप्लीमेंटेड देखो जो अनालिटिकल पैराग्राफ है ना येस इट इज अ फॉर्मलो राइट टाइप ऑफ राइटिंग बट इसके अंदर घुमा फिरा के बातें नहीं कहनी है द लैंग्वेजेंट हैल्सो मीनस की भाई बहुत डिफिकल्ट वर्ड अप्लाई करने की जरूरत नहीं है एक फॉर्मल टोन के साथ क्लियरली अपनी बातें लिखो अपनी पॉइंट लिखो अगर आप टू द पॉइंट चीजें लिख रहे हो तो आपकी टीचर आपको जरूर नंबर देंगे मूविंग है सिंगल टेंस अब ये वाली गलती ना बहुत सारे बच्चे करते हैं इस पैराग्राफ में आपने इस्तेमाल कर लिया सिंपल प्रेजेंट टेंस फिर फ्यूचर लास्ट में आते आते पास्ट में चले गए तो बेटा ऐसा नहीं करना है ठीक है एडवाइजेबल यही होगा कि आप अपने एंटायर आर्टिकल पैराग्राफ को सिंपल पास्ट में लिखो या फिर सिंपल प्रेजेंट में लिखो ठीक है बट वट एवर टेंस यू चूज मेक श्योर कि उसी टेंस को आप थ्रू आउट द पैराग्राफ कंटिन्यू करो वरना ग्रामेटिकल एरर्स की वजह से आपके सीधे सीधे नंबर कट सकते हैं मूविंग अ हेड पर्सनल ओपिनियन शुड नॉट बी भी इंक्लूडिंग दैराग्राफ एनालिटिकल पैराग्राफ इज ऑल अबाउट फैक्ट्स Facts on the basis of cues and information that has already been provided to you. इसमें आपको अपनी पर्सनल ओपिनियंस डालने की कोई भी जरूरत नहीं है आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसी के बेसिस पे आपको सब कुछ लिखना है अपने अलग से कंक्लूजन्स नहीं निकालने हैं ये चीज को ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये वाली गड़बड़ करके आ जाते हैं एंड आई डू नॉट वॉन्ट यू गाइस टू मेक दिस मिस्टेक तो प्लीज प्लीज डू रिमेंबर कि आपको पर्सनल ओपिनियंस इसमें इंक्लूडेड नहीं करने हैं आपको सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स के बेसिस पे बात करनी है

जो भी है जो भी इंफॉर्मेशन है उसकी हर इंफॉर्मेशन को आपको यूज करना है ट्रेंड्स मेंशन मेंशन करो जो करना है वहीं से आपको उठाना है ठीक है एंड द इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू इन सच एन एम्पल अमाउंट कि आपको उसके बियॉन्ड कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको उसके बियॉन्ड कहीं पर भी नहीं घूमना है ठीक है जो आपका कंक्लूजन आएगा वो भी उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर निकलना चाहिए उसके बियॉन्ड नहीं मूविंग अहेड एन इफेक्टिव इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन शुड बी गिवन ठीक है जब भी आप ना लिख रहे हो, उसका इंट्रोडक्शन उसका होना बहुत जरूरी है आप सबको पता है कि जो आपके यू नो बोर्ड के एग्जामिनेशन वाले टीचर्स होते हैं दे डू नॉट है so कि वो हर एक क्वेश्चन को लाइन बाई लाइन वर्ड बाई वर्ड पढ़ते रहे समझते रहे की बच्चे ने क्या लिखा है अगर आपकी इंट्रोडक्शन अच्छी है आपकी कंक्लूजन अच्छी है तो बॉडी में तो आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड्स वगैरह घुसाने हैं अब वो आपको क्या यूज

डेटा गिवन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट दलस्ट्रेट आई थिंक काफी अप्रोप्रिएट लाइन है कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है ठीक है ये मत करना कि हम लोग यू नो कुछ अलग सा ढूंढे वो कैबलरी वाइज और वो कैबलरी के चक्कर में पता क्या होता है कि आपकी ग्रामेटिकल एरर्स बहुत हो जाती हैं तो भाई सीधी साफ भाषा का इस्तेमाल करो बट वो भाषा ऐसी होनी चाहिए कि भाई की वो बात आपकी बिल्कुल सटीक तरीके से कह दे ठीक है इन पैराग्राफ्स में ठीक है टीचर्स आर बेसिकली नॉट लुकिंग कि हाउ इमेजिनेटिव और हाउ क्रिएटिव यू कैन बी दे आर बेसिकली ट्राइंग टू एनालाइज कि आप इन्फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करके क्या क्या लिख रहे हो किस तरीके से मैंशन कर रहे हो ठीक है नाउ इट कम्स टू बॉडी पार्ट जहाँ पे आपको ट्रेंड्स शो करने हैं कंपेरिजन शो करने लेट मी सी बी एस ई के जो रिसेंट की uh, क्या बोलते हैं मार्किंग स्कीम है वो कहती है कि आपको तीन से चार ट्रेंड्स मैंशन करने चाहिए ठीक है तभी आपको मार्क्स मिलेंगे बॉडी के तो उसमें आप सिमिलरली इन कॉन्ट्रास्ट विद इन कम्पेरिजन टू बट इन द अपोजिट केस हाउ एवर वेयर एज स्ट्राइकिंग नोटिसबल डिफरेंस ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल ठीक है इन कॉन्ट्रास्ट विद दी इंफॉर्मेशन गिवन फॉर द एक्स वाई जी वी सी दैट फॉर ए बी सी ठीक है द पॉपुलेशन हैज ग्रोन इन दिस मच अमाउंट ठीक है Uh, फिर उसके बाद वी कैन नोट वी कैन सी अ अबल डिफरेंस और वी कैन ऑब्जर्व अ डिफरेंस बिटवीन द टू वैल्यूज ठीक है फॉर द ईयर दिस एंड फॉर द ईयर वाई ऑन द ग्राफ ठीक है तो ऐसी चीजों का आपको मेंशन करना है ताकि टीचर को दिखे कि आपको ट्रेंड्स देखना आ रहा है कंपेयर करना आ रहा है मूविंग अ है टॉकिंग अबाउट कंक्लूजन कंक्लूजन के लिए आप इन सब वर्ड्स को यूज कर सकते हो ओवरऑल इन शॉर्ट टू कंक्लूड इन अट शेल टू सम अप

थिंग टू शेयर विद यू जैसा कि आप सबको पता है अन अकेडमी की तरफ से हम लोग आपको प्री बोर्ड के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं जिसके लिए यूट्यूब पर अभी एक फ्री संघर्ष सीरीज चल रही है अब जो हम यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं वो पढ़ा रहे हैं आपको पता है हर एक चैप्टर हर एक टॉपिक के लिए हम आपके पोल्स वाले क्वेश्चन भी ले रहे हैं और वो सेशन जो हैं वो हो रहे हैं एप्लीकेशन पर तो अगर अभी तक आप लोगों ने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करा है आई वुड सजेस्ट यू कि अभी के अभी जाकर डाउनलोड कर लो सो दैट यू कैन बी नोटिफाइड फॉर ऑल दीज अमेजिंग अमेजिंग फ्री ऑफ जहां पे आप नोट्स भी भी डाउनलोड कर सकते हो, सकते हो, हो। अपने डाउट्स पूछ एंड बिफोर यू अवेल नहीं करा है तो प्लीज अभी, के अभी जाकर करिए सीधा सीधा फिफ्टी परसेंट ऑफ मिल रहा है आपको सीबीएसई सब्सक्रिप्शन पर यह मौका फिर दोबारा कहा मिलेगा तो अभी तक अगर आपने कोई भी प्लस या इकॉनिक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है गो हेड एंड बाय इट राइट अवे ऑल्सो गाइज ठीक है अन अकेडमी इज प्रेजेंटिंग टू यू

जाए, आपको कुछ और पढ़ने की भी और अपनी इंग्लिश आप मेरे थ्रू पढ़ना चाहते हो तो आप ऑल स्टार्स बैच को ज्वाइन कर सकते हो हमारा टर्म टू सिलेबस अक्टूबर टेन को स्टार्ट हुआ है ठीक है मुझे फॉलो करो उसके नीचे बैचेस की आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और वहां से आप मुझे

फिर मिलेंगे पते पते बाय गाइज